एंड सेकेंड ट्रेमेस्टर फोर टू सेवन मंथ का होता है इसमें फोर मंथ आते हैं एंड लास्ट जो हमारा थर्ड ट्रेमेस्टर होता है उसमें दो मंथ आते हैं लास्ट एट्थ एंड नाइन्थ तो ये हमारा थर्ड ट्रेमेस्टर है सब्जेक्टिव में जैसे आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया है सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव सिम्टम्स को सो फर्स्ट वन आता है एमनोरिया एमनोरिया में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ब्लीडिंग होती है मेंसेस uh, मिस हो जाता है मिस्ट पीरियड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें डेसीड्यूल स्पेस टोटली ऑब्लीट्रेट हो जाता है ओब्लीट्रेट मीन्स टोटली मिट जाता है वो स्पेस ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें डेसीड्यूल वीरा एंड डेसीड्यूल कैप्सुलरिस दोनों फ्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और अगर होती है तो बहुत ही स्कैंटी होती है बहुत ही थोड़ी होती है और ये इसकी ड्यूरेशन वन टू टू डेज की होती है एंड इसमें घबराने की क्योंकि ये एक इम्प्लानशन ब्लीडिंग होती है और इसको प्लेसेंटल साइन भी कहते हैं फिर बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट थ्री मंथ में लेडी को मॉर्निंग सिकनेस फील होती है इसमें मॉर्निंग के टाइम पे नोज़िया फील होगा वॉमिटिंग जैसा फ़ील होगा लॉस ऑफ हेपीटाइट होगा भूख नहीं लगेगी बट इसका ओवरऑल हेल्थ पे कोई अफेक्ट नहीं होगा फिर नेक्स्ट आता है डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्रेस्ट तो ब्रेस्ट में जो है वो प्रिकलिंग सेंसेशन महसूस होती हैं जैसे कि सुइयाँ चुभने जैसी यू नो सेंसेशन फील होती है फ्रिक्वेंट मिक्सचरेशन होगी बार बार टॉयलेट पास आउट करने की अर्ज ज़्यादा होती है धीरे धीरे साइज़ इंक्रीज़ होता है यूट्रस का तो फिर ये सिम्टम जो है वो खुद ही डिसअपेयर हो जाते हैं